सर, ये शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहती थी जी। मैं अपनी गैंग के साथ बैठी थी और भूमिका और नीरजा ने मुझसे एक बात कही। उनकी शायद बहस हुई थी शिवित से और शिवित ने कुछ चीज़ें बोली थी जो उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी और बहुत हर्ट हुई। जैसे कि उसने कहा आई एम होमोफोबिक, आई एम ट्रांसफोबिक, और नीरजा को ऑब्वियसली इस बात से बहुत बुरा लगा है। और भूमिका को भी उसने कुछ चीज़ें कही, आई थिंक दे शुड टेक इट फ्रॉम योर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स। शिवित के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रिगरिंग होते हैं। मतलब हम लड़ाई कर रहे थे और एकदम से इंस्टिगेट। स्टार्ट से बताना ठीक है, बीच से मत उठाना कोई भी टॉपिक। स्टार्ट कैसे हुई थी लड़ाई? मैंने सेक्सिस्ट बोला था। क्यों बोला था सेक्सिस्ट? मुझे बोला कि तू मेकअप के बिना तू क्यूट नहीं लगते मेकअप के साथ। उस टाइम नहीं बोला, ये बोला है, बोला है, बोला है, बोला है। आपने ये भी बोला है कि जब पराक्रम से लड़ना इजी है तुम लड़ लो, क्योंकि मुझे बोला गया था तू स्पिट में हगा, तो मैंने तब बोला कि पराक्रम का जाके देख लो स्पिट के अंदर, तब पता चलेगा। ये बोला मैंने, ठीक है। इज दैट सेक्सिस्ट? या दैट्स सेक्सिस्ट। तो अपने टर्म्स में बनाओ ना सेक्सिस्ट के, दुनिया से पूछो क्या होता है मतलब। ठीक है, दूसरा यू एक्चुअली सेड यू आर अ होमोफोबिक एंड अ ट्रांसफोबिक। आई एम अ होमोफोबिक, ओके, आई एक्सेप्ट इट। सो इट्स ओके, दैट्स वॉइस सर, दैट्स नॉर्मल। Literally, Shivit doesn't consider Nirja as a girl, female. As a female. Huh? Oh shit, man! कुछ भी, कुछ भी. इसने चिल्ला के बोला, हाँ हूँ मैं homophobic, हाँ हूँ मैं transphobic. मैंने बोला भाई, Nirja उसने आपको नहीं बोला था. अरे मेरे को बोलने की बात. उसने आपको नहीं बोला था. उनकी बात चल रही थी आपस में. Transphobic का मतलब क्या होता है? पता है तेरे को? If you're telling a trans person that I am transphobic, it means that I am phobic of you because of your choice of sexuality. That is a problem, Shivit. That is a problem. मैं मैम से बोल रहा हूँ। यार तू बोलती रह, तू बोलती रह, तू बोलती रह। Let Nirja complete, then you speak, Shivit. Starting से ही जब मेरे को भूमिका ने आके बताई, उसने बोली कि अच्छा Nirja female है। अरे भाई कौन हूँ मैं फिर? इनको लगता है कि मेरा इस गेम में होना और लड़कियों के लिए अनफेयर होगा। तो मैंने किसको बोला यार? वो आपके ऊपर नहीं बोल रहा यार, पागल है क्या? इसने आपको बोला ही नहीं, आप फालतू बीच में यार। तुम क्या? नहीं यार मेरी बात सुनो सर, इसने ये भी बोला जब मैंने इसको बोला कि रुक जा ना, मैं बोल रही हूं। अगर ये आपको बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूं, चुप चुप। आप कुछ भी बोले जा रहे हो, ये मेरी डिस्कशन है शिवेश के साथ, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। मैं कुछ बोल रही हूं ना? अरे Nirja देख, जो मुझे तुम्हारी डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि शिवित ने तुम लोगों के अगेंस्ट नहीं कुछ बोला, उसने अपनी प्रायोरिटीज दी थी। मैं ऐसा करता हूँ, अपना ओपिनियन रखा है। अभी क्या होता है कि बंदा कोई बोलता है यार मुझे ये बंदा ठीक नहीं ऐसा लगता, तो हम अपने ऊपर ले लेते। उसने अपने बारे में बोला होगा जो मुझे दिख रहा है, सुन रहा है, और आपने बोला कि यार क्योंकि हम उस दुनिया को बिलोंग करते हैं, वो मेरे पे डायरेक्ट आ रहा है। अबे इन्हें पता है। बात सुन भाई जना। एक मिनट। अरे ये काम है बोलना। मैं बोलूँगा। मेरे को कंप्लीट होने दो। मैंने बोला रोका तुझे, रोका। चुप बोल। चुपो, चुपो। जब मैं गया उसने मुझे साफ बोला कि भाई मैंने उसको नहीं बोला, पर मेरी कोई बैक स्टोरी है, उसकी वजह से अगर मैं ये फील करता हूँ तो मैंने इसी में बोला। मतलब इनको बोला तो ये मतलब कि मैं इनको बोल रहा हूँ। सर पहली चीज मैं इसको सिर्फ ये कह रहा था कि आप लड़ो मत, पास मत जाओ, हाथ उठना उठ जाए। तो अचानक उठता टॉपिक, खुद ही बोल दिया भूमिका ने सेक्सिस्ट। सर इसमें सेक्सिस्ट क्या है मुझे एक्सप्लेन कर दो कि मैंने सही बोला। अगला उठता है यूर होमोफोबिक, तो मैंने बोला मेरी बैक स्टोरी तुझे पता है? हाँ या ना? सर उसके बाद Nirja कहीं से आती है, ही इज अ ट्रांसफोबिक। यार तुम्हें मेरी बैक स्टोरी कुछ नहीं पता। भूमिका, Nirja एंड शिवित, जरूरी नहीं है कि आप ही के ऊपर हर चीज डायरेक्ट होती है। शिवित से भी गलती होती होगी, आपसे भी होती होगी, भूमिका आपसे भी होती होगी। बट हर टाइम पे अगर तुम हर चीज को ना गंदगी सुनते रहो ना पूरे टाइम, तो तुम उस चीज पे ट्रिगर करते हो। आप ना खत्म मत करते टॉपिक, जब मैंने आपके पांव पकड़ के सॉरी बोला। यार काम करो, सुनो ये टॉपिक को खत्म करो अभी। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग।